देख रहे हैं, ये देखिए हम पैर दे करके भी आप लोग को दिखा देते हैं, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। हेलो गाइस, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजी में। सो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे हाथ में दो फुटरेस्ट है जो कि स्टैंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, या फिर कैरियर में अगर आप किसी को बैठा रहे हैं तो पैर रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये फुटरेस्ट जो है क्या करेंगे कि हम लोग इस तरह के जो है साइकिल का हब का एक्सल में इस तरह से हम लोग टाइट करके लगा लेते हैं, जो कि साइकिल शॉप में आसानी से यह फुटरेस्ट मिल जाता है। तो ये जो फुटरेस्ट आप देख रहे हैं, ये फुटरेस्ट हम खुद से ही बनाए हैं, इसका वीडियो हम बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि डियर सब्सक्राइबर व्यूवर्स ने हमें कमेंट किए हैं, उन्हीं लोग का आधार पर ये वीडियो को बना रहे हैं। राजू जी, साइकिल में जब हम लोग फुटरेस्ट लगा रहे हैं तो वो लग नहीं पा रहा है, हम लोग कैसे सेट करें, कैसे फिट करें फुटरेस्ट, प्लीज़ इस टॉपिक पे एक आप वीडियो बना दो। तो उन्हीं लोग का आधार पे हम ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए बना रहे, ताकि आप लोग का प्रॉब्लम ना हो कभी भी। अगर आप कभी भी अपना साइकिल में फुटरेस्ट लगाना चाहते हैं इस तरह से, तो ईजिली लग जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा साइकिल में इस तरह से फुटरेस्ट जो है आसानी से लग गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना भी वजन दे कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए हम पैर दे करके भी आप लोग को दिखा देते हैं, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये साइकिल में आपका फुटरेस्ट आसानी से लग गया, ठीक है, और ये साइड में भी हम आप लोग को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ को आप लोग समझे, तो इधर में हम आप लोग को दिखा देते हैं, ये देखिए अपोजिट साइड में भी हम आ गया, और अपोजिट साइड में भी देखिए ये आपका फुटरेस्ट आसानी से और ईजिली टाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आपका एकदम फुल टाइट हो गया, जैसा कि देख रहे हैं अभी, और बाकी ये थोड़ा सा तो फुल टाइट दे देते हैं। ये देखिए आपका फुल टाइट हो गया, हाथ से एकदम कंप्लीट हो गया, ये आपका फुल मजबूत हो गया। यानी ये जो है आप कितना भी लोड इस पर मिलेगा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हब एक्सल आप देख रहे हैं, ठीक है, हब का ये जो एक्सल है। तो चलिए फटाफट पहले फुटरेस्ट को खोलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए फुटरेस्ट जो है हम खोल दिए, तो यहाँ का जो एक्सल का लेंथ देखिए इसमें आपका ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक है, ये साइड में। लेकिन ऑपोजिट साइड में, गियर साइड में, यहाँ पर देखिए ज़्यादा नहीं आपका, इसमें कम से कम आपका 1, 2, 3, 4, 5 गुना तक में एक्सल का लेंथ निकला हुआ, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें टाइट करते हैं, इसमें अगर हम हैवी से हैवी लोड भी देते हैं, ये देखिए, तो ये आपका टाइट तो हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें 5 गुना निकला हुआ। लेकिन कई बार कोई कोई साइकिल में आप देखेंगे कि एकदम माइनर निकला हुआ रहता है, 2 गुना 1 गुना, इसके वजह से ये फुटरेस्ट आपका लग नहीं पाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास 2 हब एक्सल है, ठीक है, फुटरेस्ट को हम नीचे रख देते हैं। तो 1 हब एक्सल आपका देखिए छोटा है, 1 हब एक्सल आपका बड़ा है। तो कभी भी साइकिल में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, फुटरेस्ट लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रहा है ये एक्सल का लेंथ छोटा होने की वजह से, तो आपको क्या करना है, अपना साइकिल का ये हब एक्सल को चेंज कर देना है, फिर आप आसानी से फुटरेस्ट को लगा सकते हैं। ये एक्सल कितना साइज का, कितना नंबर का लगाना चाहिए, किस कंपनी का लगाना चाहिए जो कि बेस्ट रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आपको भोगल कंपनी का या फिर सोना कंपनी का हब एक्सल लगाना है, जो कि आपका 1.25 इंच का रहेगा, ठीक है। अगर आपका साइकिल में इस तरह का गियर भी लगा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से गियर भी रहेगा और फुटरेस्ट भी आपका साइकिल में लग जाएगा, क्योंकि ये एक्सल का लेंथ यहाँ पर आपका छोटा दिखेगा, इसके वजह से जो है फुटरेस्ट लगता नहीं है। एक्सल का लेंथ जब बड़ा हो जाएगा तो आसानी से फुटरेस्ट आपका लग जाएगा इस तरह से, जैसा कि ये साइकिल में आप देख रहे हैं लग जा रहा है, ठीक है। ये आपका MTB बेसिक मॉडल का रेंजर साइकिल है, चाहे MTB हाइब्रिड साइकिल हो या फिर नॉर्मल साइकिल या फिर किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, तो फुटरेस्ट को आप आसानी से लगा सकते हैं, जो कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही जगह मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो प्राइस आपको कम आएगा, अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हर तरह का फुटरेस्ट आप खरीद सकते हैं अपना साइकिल का अकॉर्डिंग में। एक साइकिल और हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे, जैसा कि ये आप देसी 20 इंच का साइकिल देख रहे हैं, तो आपके पास देसी 20 इंच साइकिल हो, 22 इंच साइकिल हो, या फिर कोई भी छोटा साइकिल हो या फिर बड़ा साइकिल हो, अगर आप फुटरेस्ट लगाना चाहते हैं तो एक्सल का लेंथ देखिए, जैसा कि इसमें आपका ये एक्सल का लेंथ देखिए यहाँ पर आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये साइकिल का, ठीक है, देसी 20 इंच का, तो 22 इंच का भी इस तरह से रहेगा। एक्सल का लेंथ अब कम से कम आपको 5 गुना यानी 6 गुना तक निकला हुआ होना चाहिए, 5 गुना भी निकला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एक्सल का लेंथ इतना कम से कम निकला हुआ होना चाहिए, फुटरेस्ट को आप आसानी से कोई भी साइकिल में लगा सकते हैं, जिस तरह से ये साइकिल में लग गया। जैसा कि देख रहे हैं दोनों ही साइड में फुटरेस्ट को लगा दिए हैं, तो इस तरह से फुटरेस्ट आपका आसानी से लग जाएगा। आई होप दोस्तों अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि ये फुटरेस्ट क्यों नहीं लगता, इसका प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से सोल्यूशन इसका निकालना है। तो हमारे चैनल पर हमेशा आप लोगों को नॉलेज वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, हम आप लोग के लिए छोटा से छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वीडियो बना देते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का फायदा हो, मैकेनिक के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय।